अच्छा, तो हमने क्या किया था, हमने ये कल डिज़ाइन कर दी। अब इसमें थोड़ा सा अगर हमने मॉडिफाई थोड़ा सा करना है। अब देखो मेरे पास है लोगो, अगर लोगो को मुझे कुछ चेंजिंग करनी है तो मैं डिज़ाइन पे जाऊंगा, डिज़ाइन पे जाऊंगा, लोगो को मार्जिन देना है, पैडिंग देनी है, इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर, तो ये हो जाएगा। अब मेरे पास है लोगो के साथ टाइपोग्राफी आया, जैसे ही मैंने लोगो पे क्लिक किया, सेम प्रोसेस है, देख लो, हेडर बिल्डर में गया, लोगो पे गया, लोगो पे क्लिक करके डिज़ाइन पे गया। अब मुझे लोगो का जो सा ये फॉन्ट है, ये पिक्सल पहले है, मेरे पिक्सल इसको छोटे कर दिए, ठीक है, तो ये मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। आप बिल्ट इन पहले भी शॉर्ट करके रख सकते हो, पर उसने क्या किया, उसके अंदर भी प्रोवाइड किया कि यहाँ भी आप चेंज कर लो, तो मेरे पास अभी 20 पे परफेक्ट लग रहा है। मैं इसे क्या करूँ, बंद। अब मुझे मार्जिन चाहिए, अगर अब देखो मार्जिन, अगर मैं मार्जिन सारी जगह से अप्लाई करता हूँ, एक ही जगह पे अप्लाई करता हूँ तो सारी जगह अप्लाई होता है, ये देखो, देख रहे, हर जगह से अप्लाई हो रहा है, पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए थोड़ा सा आगे लेके जाना है इसे, ये वाली चीज़ को थोड़ा सा आगे और लेके जाना है। तो मैं इसे क्या करूँगा, ये वाले बटन पे पहले क्लिक करूँगा, ये क्या है, इसने इसको पकड़ लिया हुआ है, तो इसको ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर पहले क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर, सॉरी मोबाइल पे है, नहीं नहीं यहाँ नहीं था, अच्छा ये वाले में, ये वाला जो सा है, ये जंजीर टाइप की जो बनी हुई है, इस पर क्लिक करूँगा, ये क्या होगा, ये कट हो गया। अब मुझे जहाँ भी चेंजिंग करनी है, अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे लेके आना है, आगे लेके आने के लिए आपको पता है कि लेफ्ट यूज़ करते हैं, तो ये आगे नहीं है, यहाँ परफेक्ट 50 पिक्सल हमने क्या किया, मार्जिन लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, तो अब मैं जब भी अप्लाई करूँगा सब पे अप्लाई हो जाएगा, जब मैं इस पर क्रॉस लगाता हूँ, अब मैं एक पे अप्लाई करूँगा तो वो एक पे ही अप्लाई होगा, ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। तो ये चीज़ें, ये इससे आपको आइडिया हो जाएगा क्या हो रहा है। अब ये यहाँ पर बन गया, हमने इसका कलर भी कर दिया। अब हम दोबारा आते हैं वापस, बैठ जा रहा हूँ। अब मुझे जो सी मैंने सर्च बार लगाई है, ये लगाई सर्च, तो बेसिकली अभी तो सर्च ठीक है, फिर भी हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करते हैं। तो मैं डिज़ाइन पे गया, डिज़ाइन पे जाने के बाद आइकॉन कलर पूछ रहा है कौन सा देना है, तो मैंने आइकॉन कलर बिल्ट इन ब्लैक तो परफेक्ट लग रहा है, पर अगर मुझे आइकॉन कलर को चेंज करना हो तो मैं इसको यहाँ पर जाके चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया मेरा आइकॉन कलर चेंज। अब मुझे इसको मार्जिन कुछ देना है तो मैं मार्जिन दे सकता हूँ, कि आगे पीछे से लेके जाना है तो लेके जा सकता हूँ, अदरवाइज मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे नहीं डाला, मैं बैक गया। बैक जाने के बाद अकाउंट है, अकाउंट भी मेरा ठीक है, मुझे बटन, अब बटन पे मुझे चेंजिंग करनी, बटन में सबसे पहले तो बटन देना है। अब बटन के बाद आपने बटन पे लिंक भी आ रहा है, लिंक कहाँ का, कि जो वेबसाइट का आपने लिंक देना है, अपनी वेबसाइट के अंदर वाला, बाहर भी हो सकता है, अपनी वेबसाइट का भी लिंक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कह सकता हूँ, ये बटन जो सा मैंने बनाया है, ये इसका नेम रख देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि ये बटन जो सा है, ये मुझे इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मेरे पेज पे ले जाए, मैं चाहता हूँ ये बटन मैंने बनाया जो सा है, ये इंस्टाग्राम का, ठीक है। ये जैसे ही मैं इस पे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे अभी www.instagram.com दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि ओपन इन द न्यू टैब, जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ तो न्यू टैब ओपन हो या इसी टैब को रिफ्रेश कर दे, तो मैंने कहा न्यू हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा तंगी ना आए कि न्यू पे ही हो, तो मैंने इसे डिज़ाइन, अब मैंने इसे ये बड़ा बना, अब मैं इसे डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। अब मैं जैसे ही डिज़ाइन पे आया, डिज़ाइन पे मेरे पास ऑप्शन आई, सबसे पहले आई कलर, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो पहले मेरा क्लिक किससे हुआ, हुआ होवर पे, मैंने होवर पे नहीं जाना, पहले मैंने नॉर्मल पे जाना था, ये ध्यान कर लेना, नॉर्मल में है या होवर पे, नॉर्मल में जब होगा तो आपका ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू नज़र आएगा, ठीक है। तो अब मुझे टेक्स्ट कलर पूछ रहा है कौन सा देना है, तो मैं अगर टेक्स्ट कलर इसको कह देता हूँ, ये वाला जो कलर है ना, अगर मैं यही टेक्स्ट कलर दे दूँ तो ये भी परफेक्ट लगेगा, पर मैंने क्या कहा, मैंने इसे थोड़ा सा इस टाइप का बना रहा हूँ, रहने ब्लैक देता हूँ, टेक्स को ब्लैक ही कह देता हूँ, और इस वाले बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा सा रेड शेड का बना लेता हूँ, नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ज़रा कलर स्कीम ही देख लेता हूँ, मैंने कलर स्कीम उड़ा दी है, चलो खैर अभी के लिए मैं इस कलर स्कीम नहीं यूज़ कर रहा, ब्राउन देखते हैं ये।
ठीक है, ब्राउन थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, अब फिर भी थोड़ा सा परफेक्ट है, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ब्राउन को, थोड़ा सा लाइट करेंगे ना तो ये क्या होगा। अच्छा, अब ब्राउन के ऊपर ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके ऊपर वाइट अच्छा लगेगा, तो मैंने इसे ऊपर वाइट कर दिया। यहाँ तक हमारी टाइप ये हो गया, हमारा परफेक्ट हो गया। अब अगर ओवर पे भी कुछ चेंजिंग करनी है, जैसे मैं इसके ऊपर लेके आया ये ब्लू हो गया, तो ब्लू कह दिया ये हो गया हमारा ब्लू, ठीक है ब्लू ही हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जब मैं इसके ऊपर जाए तो ये मेरा ब्लैक शेड दे, तो ये परफेक्ट है, ब्लैक दे रहा है, ब्लैक वैसे अच्छा लग रहा है, वाइट भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, मैंने बिल्ट इन वही कलर रख दिया जो सा बिल्ट इन उसका था, अगर मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज कर दूंगा, मैं चाहता हूँ ब्लैक के ऊपर जब मिलते में जाऊँ ये वाइट कर दे, बैकग्राउंड कलर वाइट हो, अब देखो देखो परफेक्ट है, ये चीज होगी, ये इसका बेनिफिट है। अब टाइप बॉर्डर, बॉर्डर पूछ रहा देना है, तो मेरा ख्याल बॉर्डर देने की इससे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर देना भी है बॉर्डर तो आप ऐसा करें इसका कलर जो है बॉर्डर का वो थोड़ा सा ऐसा रखें कि जो इसके साथ मैच हो जाए, कि ये अच्छा नहीं लगेगा, बॉर्डर बेसिकली अच्छा लग भी नहीं रहा इस पर, तो मैं रिमूव भी कर रहा हूँ बॉर्डर को, मुझे नहीं अच्छा लग रहा बॉर्डर, लगे तो कोई कुछ होता है कि इन जगह पर अच्छा लगता है, पर अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा बॉर्डर, तो मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, मैं साइज़ पे आया, अब ये साइज़ क्या था, टाइपोग्राफी का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, टाइपोग्राफी का मतलब होता है आपका साइज़, किसका साइज़, आपके फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट वगैरह जिसका भी है वो साइज़ क्या है टाइपोग्राफी का, 14 बिल्कुल परफेक्ट है, तो हो गया। अब पैडिंग पूछ रहा है, पैडिंग बटन के लिए तो पैडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बटन के लिए पैडिंग देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैडिंग के बगैर हम बटन को परफेक्ट बना ही नहीं सकते। अब मैंने क्या किया, ठीक है, अब मैंने पैडिंग दी, पैडिंग देने के लिए मैंने क्या किया, पैडिंग देने के लिए अब मैं तो या तो चारों तरफ से पैडिंग दे देता हूँ, वो हर तरफ से पैडिंग देता हूँ वो परफेक्ट नहीं लग रहा, ये देखो बटन कुछ सही लग रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पैडिंग, मैं कहता हूँ ये मैं इस जंजीर को क्लिक कर रहा हूँ, अब मैंने कहा टॉप, मुझे टॉप और बॉटम से जो पैडिंग है वो परफेक्ट है, मैं इतना ही चाह रहा हूँ टॉप और बॉटम से, पर जब भी मैं लेफ्ट और राइट जाता हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं कह रहा हूँ लेफ्ट से, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेफ्ट से 40 कर रहा हूँ और राइट से भी 40 कर रहा हूँ, तो अब देखो मेरा बटन परफेक्ट बन गया। अगर आपका बटन ऑलरेडी परफेक्ट है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको पैडिंग ना दें, पर अगर नहीं है तो तब आप दे दें। अब मुझे मैं 16 दे रहा हूँ, मैंने इसे परफेक्टली बना दिया है, अब मैंने इसे अपना खुद बटन कस्टमाइज़ किया है, खुद बटन बनाया है, पहले वो ऑलरेडी जैसा था वैसा था, अब मैंने खुद दिया है। मैंने हमेशा आपको ऑलरेडी पहले भी बताया कि अगर टैक्स और टैक्स के अंदर बैकग्राउंड कलर लगा है उसको बड़ा करने के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग यूज़ करते हैं। पैडिंग क्या करती है, हमें अंदर से फैलाती है चीज़ों को, ठीक है, वो पैडिंग का काम होता है। अब देखो बटन जो सा हमारा है इस टाइम परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ होगी, हमारा काम कंप्लीट हो गया इसका डिज़ाइन का, तो मार्जिन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, तो मैं वापस आ रहा हूँ। अब मुझे इसके आइकॉन्स हैं, ये आइकॉन्स पे जाना है, मैं देखता हूँ आइकॉन सोशल, ये सोशल लिखा हुआ है, सोशल पे आया, ये मैंने आइकॉन्स लगाए हुए थे, ठीक है, तो अच्छा अब आइकॉन से पूछ रहा है शो लेबल, कि इसका लेबल भी शो हो, तो हम ट्राई करके देखते हैं कि लेबल शो होता है तो कैसा नज़र आता है, तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, तो मुझे इस तरह का नहीं चाहिए, तो मैंने इसे लेबल रिमूव कर दिया, ये परफेक्ट लगा। अब मैं डिज़ाइन पे आया, अब लोगों का जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है, मोबाइल सॉरी, अगर मोबाइल पे चला जाए तो ये इसलिए वाला जो बना हुआ है ना इस पर क्लिक कर दें मोबाइल, अभी मैं इसके बारे में भी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये मेरे पास परफेक्ट है, लोगो साइज, आइकॉन साइज परफेक्ट है, स्पेसिंग परफेक्ट है, बैकग्राउंड जो स्पेसिंग है वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है ठीक है, आइकॉन स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा हूँ यहाँ, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैंने कहा आइकॉन रेडियस मैंने ऑलरेडी 50 किया हुआ, तो वो मेरे बिल्कुल परफेक्ट है। अब कलर टाइप्स, मैंने तो कलर टाइप जो है कस्टम यूज़ किया, ऑफिशियल का मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। अब कलर, मैंने कलर ऑलरेडी वो बताया हुआ यूज, अब इस पर भी होवर का इफेक्ट है, आप होवर पे यूज़ कर सकते हो, ये देखो होवर है, आप होवर पे यूज़ कर सकते हो, कि होवर पे कोई कलर चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है, अगर नहीं करना चाह रहे तो नहीं करो, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, मार्जिन वगैरह इसमें भी दी हुई है, अगर थोड़ा आगे पीछे करना है तो इसी जंजीर को रिमूव करो और लेफ्ट तो थोड़ा सा आगे ले, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल सेंटर पे है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सेंटर पे ही यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इस जंजीर को दोबारा बंद कर, ठीक है। तो यहाँ मेरा काम ये हो गया परफेक्ट। अब जो सा काम रह गया है आगे का, आगे का काम क्या रह गया है, अब मुझे अगर मैं इसे हिडन करके देखता हूँ तो मेरा काम परफेक्ट हो गया है, थोड़ा वो जो चेंजिंग करनी थी मैंने कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है कि अब मुझे इसको टैब इंटरफेस पे भी दिखाना है, ये सिर्फ हमने डेस्कटॉप इंटरफेस में नहीं दिखाना, टैब में भी दिखाना है। तो टैब में दिखाने के लिए मैं टैब पे जाता हूँ, तो जैसे ही मैं टैब पे गया, अब टैब पे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। टैब में आइकॉन मेरा परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, ये साइज़ बहुत इंक्रीज हो गया और ये साइज़ बहुत छोटा हो गया, ठीक है। तो टैब में तो ये नज़र सही आ ही नहीं रहा, तो मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ, पहले तो मैं पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश इसलिए किया क्योंकि मेरा जो सर चेंजिंग की थी वो परफेक्ट हो गया, तो मैं सबसे पहले गया वापस। अब सबसे पहले ये चीज़ें आ गई मेरे टैब में, टैब में मैंने जैसे क्लिक किया ये चीज़ें आ गई, मैं सबसे पहले जाऊँगा लोगो पे। अब लोगो पे गया, लोगो की सबसे पहले तो मैं विड्थ थोड़ी सी शॉर्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा लोगो की विड्थ जो सी है परफेक्ट लग रही है, यहाँ पर, ठीक है। अब टेक्स्ट जो सा है वो नहीं सही लग रहा, टेक्स्ट बहुत बड़ा लग रहा है, टेक्स्ट की पिक्सल थोड़े से कम करते हैं, परफेक्ट करते हैं पिक्सल, ओके 16, ठीक है। तो 70, ये 80 तक ठीक है, 80 तक पिक्सल जूम से परफेक्ट लग रहे हैं। अब मेरा टेक्स्ट जूम से परफेक्ट लग रहा है, तो अगर थोड़ा सा इसे आगे लेके आना है तो आप मार्जिन दे सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं देना, मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। अभी और लोगों पे देखते हैं लोगों में और क्या चीज़ें प्रोवाइड की है। अच्छा, डिस्प्ले साइड टाइप नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लोगों से वापस आ रहा हूँ। अब वालेकुम सलाम, अच्छा तो मैंने क्या किया, टॉगल बटन, टॉगल बटन कौन सा होता है, ये वाला। अब वो पूछा है टॉगल बटन कैसा लेना है आपने, ये बिल्ट इन तीन उसने टॉगल बटन बना के दिए, ठीक है। तो ये यूज़ करना है, ये कर लो, ये करना है, ये करना है, जो सा भी आप पे डिपेंड है, आपने जो सा यूज़ करना है तो ये वाला यूज़ कर लो। इसका साइज़ देख लो, इसका साइज़, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डार्क ज़्यादा हो गया, तो वो तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ये भी परफेक्ट लग रहा है, ये भी ठीक है, ये कलर मैंने टॉगल यूज़ कर, ठीक हो गया। अब टॉगल पे पूछ रहा है कि इसका जो टॉगल स्टाइल है वो कौन सा हो, आउटलाइन हो, ठीक है, मतलब आउटलाइन साइड पे लग गई है, फिल हो, ऐसा हो, ठीक है। तो या मिनिमल हो, तो मेरा मिनिमल ठीक लग रहा है। मैं डिज़ाइन पे गया, अब मैं डिज़ाइन पे गया, डिज़ाइन पे जाने के बाद मैंने कलर इसका क्या किया, ब्लैक, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हर चीज़ ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्यों यूज़ करूँ बाकी हुई कलर, ठीक है। तो मैंने ब्लैक कलर इसका यूज़ कर, तो ये थोड़ा डार्क ज़्यादा हो गया, यहाँ ठीक लग रहा है, 32 मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये हो गया मेरा परफेक्ट। अब मैं इसे पहले ओपन करके चेक करता हूँ, ये शो अबाउट कॉन्टैक्ट, ये ऐसे शो करवा रहा है, इसको हमने अभी एडजस्ट करना है। अभी सिर्फ मैंने मोबाइल इंटरफेस पे, डेस्कटॉप इंटरफेस बनाया था, मोबाइल इंटरफेस पे और टैब इंटरफेस में, तो मैंने इसे परफेक्टली ऐसे वर्क करके कम किया। अब मोबाइल, अब ये देखो मोबाइल मेन्यू, उसने ऑलरेडी मेन्यू बताया कि कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो उसने मुझे प्रोवाइड किया मोबाइल मेन्यू। तो अब मोबाइल मेन्यू के लिए हमें उस किसी एक को मोबाइल मेन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना है, मैं वापस इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ ताकि मुझे ये वाला जो वर्क है मेरा वर्क जो है ख़राब ना हो, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं ये वाला वर्क ख़राब नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ से इस वाली चीज़ों को उड़ा दूंगा ना, तो मैं सीधा ही डब्ल्यू पी एडमिन में चले जाऊँगा, मैंने उड़ा दिए तो सीधा डब्ल्यू पी एडमिन में चले जाता हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ पढ़ाऊँ। तो ये देखो डब्ल्यू पी एडमिन में गया, ये शॉर्टकट है देख लेना, तो मेन्यू में गया, ओके। अब मैं मेन्यू में जैसे ही आया, अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो मेन्यू है ये मेरा टैब में शो हो, क्योंकि टैब में हमेशा आपको एक ही मेन्यू शो होगा, दो कभी भी नहीं होंगे। जब भी आप कोई यूज़ मोबाइल का या डेस्कटॉप का यूज़ करोगे, मोबाइल का या आप टैबलेट का यूज़ करोगे ना, तो आपको एक मेन्यू शो होगा, दो भी हो जाते हैं, पर क्या है कि फिर उसी तरह स्क्रीन शो करवानी पड़ती है जैसी कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है, टैब के लिए। पर मोबाइल में सिर्फ एक मेन्यू शो होगा, हम जो सा टॉप मेन्यू होता है उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। क्यों कर देते हैं, क्योंकि इतनी मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, तो उसमें सिर्फ वो चीज़ें रखते हैं जो सी हमें काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं अब इस वाले मेन्यू को कह देता हूँ मोबाइल मेन्यू,
और मैं इसे क्या करूँ सेव। अब ये हमारा हो गया मोबाइल में। अब मैंने इसे इसे अभी पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश इसलिए किया कि मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, चेंजिंग करने के लिए पब्लिश किया। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर रिफ्रेश इसलिए किया ताकि वो मुझे मोबाइल वाला मेन्यू ही शो करवाए, कौन सा करवाए जो सा हमारा प्राइमरी मेन्यू है। ठीक है, दोबारा मैं वापस किया हेडर बिल्डर। हेडर बिल्डर में जाके मैंने इसको पहले टैप किया, टैप करने के लिए ये चेंज हुआ। अब चेंज होते साथ देखो अब ये हमारा था कौन सा मेन्यू, देखो यही मेन्यू था हमारा प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर शो करवा दिया, तो इसे क्लोज करो। अब ये वाला इंटरफेस मेरा डिवेलप हो गया, कौन सा था टैप का। अब मुझे कौन सा अब इसको अगर डिज़ाइन करना है, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह करना है, तो वो इसमें मार्जिन वगैरह दे सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, तो अभी के लिए परफेक्ट है। तो मोबाइल मेन्यू और इसको डिज़ाइन, अब मोबाइल मेन्यू को डिज़ाइन करने के लिए मेन्यू में क्लिक करो। मेन्यू में अगर कोई टेक्स्ट यूज़ करना है, वेट, अब क्या हुआ ये मेन्यू का डिज़ाइन, डिज़ाइन में जाओ, डिज़ाइन में गया। अब डिज़ाइन में मेन्यू पे क्लिक करो, पहले तो मेन्यू पे क्लिक किया, इसका फ़ॉन्ट जो है ना मेन्यू का फ़ॉन्ट क्या किया है। अब मैं चाह रहा हूँ मेन्यू के अंदर जब मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँ इसका फ़ॉन्ट, ये साइज़ देख लो ये कितना है, मैं 14 परफेक्ट है। अब इसका फैमिली फ़ॉन्ट फैमिली अगर चेंज करना है तो कर दो, अदरवाइज वो परफेक्ट उस वो ही होगा जो सा आपने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है, ओके तो बेसिकली वो चीज था जो था पहले ही था, तो ऐसे ही हमने इधर उधर कलर पे देखिए ठीक है। तो ये बिल्ट इन ठीक था, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए ये चीज़ की है। ओके, वेट इसका देना है, वेट इसका मीडियम कर दो, अगर करना है तो लार्ज कर दो, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो, तो जैसे आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। पहला परफेक्ट है, पहला आप कह रहे हो ठीक है, ये चीज़ सारा कुछ ना परफेक्ट है। मार्जिन स्पेस देनी है तो दे सकते हो। मेन्यू मेन्यू कलर चेंज करना है, लिंक का कलर चेंज करना है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये सारा उसका मेन्यू का है जो ड्रॉप डाउन हमने जो सा इसके अंदर मेन्यू यूज़ किया। ठीक है, ये चीज़ हमारी होगी परफेक्ट। अब हमने क्या करना है, मोबाइल इंटरफेस पहले मेन्यू बनाना है, तो मैं मोबाइल इंटरफेस मेन्यू गया। अब मोबाइल इंटरफेस में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, तो मोबाइल इंटरफेस को चेंज करना है। तो इस लोगो का हमने यहाँ पर किया 40 32। ठीक है, डिज़ाइन पर किया, डिज़ाइन पे जाने के बाद इसका जो पिक्सल है ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये जो सा है ये यहाँ पर आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा पीछे लेके आऊँ, तो पीछे लेके आने के लिए तो अगर यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो मुझे खुद इसका मार्जिन जो सा है वो कम करना पड़ेगा इसको बैक लेके जाने के लिए। तो या तो माइनस में मैं दे दूँगा, ये लो मैंने जीरो, जैसे ही मैंने वन कर लो ज़ीरो कर लो, ज़ीरो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो क्या हुआ, पब्लिश किया, वो अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई पिक्सल कहीं ना वो दिमाग वगैरह आ जाता है, उस वजह से वो ज़ीरो में ना हम जैसे ही उसे ज़ीरो करते हैं वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो ये क्या हुआ, अब हमारा मेन्यू रेडी हो गया, अब हम पब्लिश कर दिए। अब मैं अपने मेन्यू को जैसे मर्जी जो से मर्जी इंटरफेस पे देख सकता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब मैं इसे रिफ्रेश करने के बाद ये इंस्टाग्राम का आइकॉन कुछ इस तरह से बन गया। अब मैंने इसे क्या किया, 12 F12 दबाया, F12 में जाने के बाद अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे पहले तो कर रहा हूँ टैप, पहले प्लस में खोला, बिल्कुल परफेक्ट है देख लो। ठीक है, एक मिनट, आईपैड में भी बिल्कुल, आईपैड में परफेक्ट है, पर थोड़ा सा ये आगे आ रहा है तो वो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखो बाकी सारा परफेक्ट है, सिर्फ जो टैब की स्क्रीन है उसमें थोड़ा सा आगे आ रहा है, ये थोड़ा सा आगे आ रहा है। टैब की स्क्रीन में भी इसको क्लोज करके ज़ीरो कर दो। ठीक
है, जीरो जैसे ही किया ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया, तो परफेक्ट हो गया, अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मेन्यू डिजाइन हो गया, ठीक है, परफेक्टली हमारा मेन्यू बन गया। तो अब क्या है कि हमें इसको वापस ले आओ मोबाइल इंटरफेस पे। तो ये हमारा मोबाइल का इंटरफेस था, वो हमारा डेस्कटॉप का था, तो ये परफेक्टली वर्क हो गया। अब रिक्वेस्ट, ओके, तो उसके बाद मैं होम पे सेटिंग में जाता हूँ। अच्छा, होम पे सेटिंग में वही ऑप्शन है जो सी आपने प्रोवाइड की है, ठीक है। ये होम कैसे खत्म करेंगे, ये वाला होम का देखते हैं इसमें ना कैसे है, खत्म करते हैं, कोई नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला होम पेज में वही चीज आ रही है जो हम रीडिंग में जाके नहीं देखते चेंज करते, ये होम पेज यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद विजेट्स हैं, विजेट्स को मेन्यू में जाते हैं। मेन्यू में हमारे पास कौन से मेन्यू पड़े हैं, 1, 2, 3, ये वो मेन्यू है जो सा आप यूज कर, आप यहाँ से भी मेन्यू को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ये हर एक थीम में यहाँ पर पड़ा होता है मेन्यू। अब देखो, मैंने कहा कि मुझे ना डेस्कटॉप ये वाला इंटरफेस में ये वाला मेन्यू नहीं चाहिए, मुझे ये प्राइमरी मेन्यू वन चाहिए। मैं पहले तो जाऊंगा टॉप मेन्यू में, टॉप मेन्यू में जाने के बाद मैं मोबाइल ख़त्म करूंगा। यहाँ से मैंने मोबाइल को ख़त्म किया, बैक आया, अब मैंने क्या किया, प्राइमरी मेन्यू में गया और मैंने प्राइमरी मेन्यू में जाके यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने एक बार पब्लिश कर दिया। पब्लिश किया तो ये देखो, ये मेन्यू चेंज हो गया, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं वापस जाता हूँ, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दी है, तो आप ये कर सकते हो। अच्छा, तो उसके बाद हमारा आता है फुटर बिल्डर, नहीं अभी नहीं बताता हूँ, साइड बार ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ। तो ब्लॉग्स, ब्रेड क्रम्स नॉर्मल है, ठीक है, ब्रेड क्रम्स लगाना नहीं। ग्लोबल कंटेनर, यार इसका देखना पड़ना है, ये होम कैसे डिलीट होगा, कोई इशू नहीं, देख लेंगे इसे ना। तो अभी के लिए ये देखना पड़ेगा पूरा खोल के ना एक एक चीज को, क्योंकि हर किसी का चेंज होता है। तो अभी के लिए फुटर को डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद ये देख लेंगे, मैं बता दूंगा आपको ना कहाँ चेंज होगा, इसी सेटिंग में होगा कहीं, तो एक एक करके देखना पड़ेगा। तो फुटर को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फुटर बिल्ड भी करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुटर के बगैर हमारा पेज अधूरा है। हमारा हेडर और फुटर, ये दो जो चीज़ें हैं ये हमारा बनना चाहिए, बाकी बेशक ना बने, ये दो चीज़ें हमें डेवलप करनी है, जैसे मर्जी करो ये डेवलप करना पहले करते हैं। जब भी हम डिज़ाइन कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले यही दो चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद ऑल पेजेस डिज़ाइन करते हैं। तो अब मुझे फुटर डिज़ाइन करना है, फुटर बिल्डर में जाऊंगा, ये देखो फुटर बिल्डर लिखा है, ये हेडर बिल्डर था जो हमने कर लिया है, अब फुटर बिल्डर करना है। फुटर बिल्डर पे गया, फुटर बिल्डर भी सेम टू सेम हेडर बिल्डर की तरह बना हुआ, ठीक है। तो पहले लास्ट में था कॉपीराइट वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला। तो अब मैं कहता हूँ कॉपीराइट, मैं कॉपीराइट पे गया, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक और चीज़ याद रखना, ये वाला रिमूव ना करना, ये चीज़ें ना रिमूव ना करना, इससे पता क्या बेनिफिट है, ये चीज़ उन्होंने बनाई हुई है बिल्ट इन, करंट ईयर चल रहा है, ये देखो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये करंट ईयर को नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, करंट ईयर को नहीं, कॉपीराइट को नहीं चेंज करेंगे, कॉपीराइट से एक सी आ रहा है, ठीक है, ये जो सी आ रहा है ये कॉपीराइट से आ रहा है, ये नहीं चेंज करेंगे। करंट ईयर नहीं चेंज करेंगे, कौन सा है 2021। और साइट टाइटल भी चेंज नहीं करेंगे कुछ, हमने साइट टाइटल का नाम कह रहा है जीसीटी साइबर। तो पावर बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, इस वाले को हम रिमूव करेंगे, हम पावर बाय कह देते हैं, या हम पावर बाय को ख़त्म ही कर देते हैं, ये वाली चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया, ओके। ये हमारा बिल्डिंग इस तरह रह गया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब ये चीज़ हमारी बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो वापस डिज़ाइन पे जाते हैं, डिज़ाइन पे जाने के बाद टेक्स्ट कलर ठीक है, टाइपोग्राफी भी ठीक है, टाइपोग्राफी में इसका साइज़ अगर बड़ा करना है, छोटा करना है, जैसे करना है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक हो गया। तो अब ये वाला हो गया, अब हमें इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये रिमूव करना है, मतलब चेंज करना है। तो ये सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग पे क्लिक कर, सेटिंग पे जाएंगे, अब सेटिंग पे जाएंगे, उसके बाद आपके पास डिज़ाइन है, डिज़ाइन में ये बिल्ट इन बॉर्डर कलर लगा है, बॉर्डर कलर हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, कलर एंड इमेज बैकग्राउंड, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो कलर एंड इमेज में बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है,
मैं चाह रहा हूँ ये ब्लैक हो, वाइट। सर हम ये फुटर को बड़ा कैसे करेंगे? बताता हूँ, यानी कि उसकी विड्थ जो चाहिए बड़ा कर देते हैं, इशू नहीं है, हो जाता है। अच्छा इसको मैंने ब्लैक किया है, तो इसका जो ब्लैक है वो कलर तो ठीक है, पर अंदर वाला हिस्सा वो चेंज करना पड़ेगा, उसे मैं वाइट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। ये इनर कॉलम स्पेस, इनर कॉलम स्पेस है, इसको इसके दो तरीके हैं, या जनरल में जाके आप इसकी हाइट ज़्यादा कर दें, ठीक है, हाइट ज़्यादा कर दें, ठीक है, एक तरीका मिडल बॉटम कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ भी था वो वहीं रहने देते हैं, ठीक है, तो मेरा ख्याल टॉप पे था, ठीक है, तो आपके पास एक ये है कि आप इसकी हाइट वगैरह ज़्यादा कर दें, ठीक है, एक तो ये सोल्यूशन है, थर्ड और इससे काम देखो होती है नहीं होती, नहीं होती तो 20 नहीं हो रही, वो 30 पे उन्होंने बिल्ट इन प्रोवाइड किए, 30 से नीचे नहीं जा सकता, तो अगर फुल विड्थ करना है तो फुल विड्थ कर दो, तो ऑलरेडी मेरा फुल विड्थ है। अब लेआउट आइए, तो लेआउट ऑलरेडी वो एक ही उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब कॉलम पूछ रहा है कितने कॉलम यूज़ करने हैं, एक लाइन पे कितने कॉलम, तो ये लास्ट वाला फूटर है, ये जिसे कहते हैं बॉटम फूटर, तो ये फूटर को एक ही कॉलम होते हैं, इसमें ज़्यादा कॉलम हम यूज़ करते ही नहीं है, ठीक है, तो अगर करना है फिर भी चाह रहे हो तो फिर कॉलम पे डिवाइड कर, अदरवाइज इसमें हम मोस्टली दो कॉलम हो जाएंगे, दो कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा दो कॉलम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते, तो ये यूज़ कर लो, दो कॉलम यूज़ करो। तो अब पूछा है कॉलम का साइज़ कैसे हो, मतलब ऐसा साइज़ हो, ऐसा हो या ऐसा हो, परफेक्ट डिवाइड हुआ हो, तो मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा साइज इस तरह का नज़र आए, यहाँ पर लास्ट पे अगर आइकॉन लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। अब इसका डिज़ाइन जो सा है बिल्कुल परफेक्ट हो गया, वापस जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर कॉपीराइट है एक पे, और एक पे क्या लगाते हैं हम, वेट करें, यहाँ पर एक मिनट, नज़र भी कुछ हमारा ब्लैक जो कर दिया है इसका पहले। हाइट बड़ी मैंने अभी की तो है, अरे आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी हाइट उसकी रखनी है, ये तो आपका ना वो है ना टॉप फूटर नहीं, ये टॉप फूटर नहीं है, ये बॉटम फूटर है, इस पर आप पर डिपेंड करता है आपने बॉटम फूटर कैसा है, बॉटम फूटर तकरीबन ऐसे ही होता है सबका, किसी का कोई चेंज नहीं होता, तो बिल्ट इन जो था वो ही रहने देते हैं अभी के लिए, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस वाले को सोशल मीडिया साइट लगा रहा हूँ, आइकॉन्स सेम कुछ भी नहीं किया, जैसे हमने वो फूटर बनाया था ना वही सेम फूटर है, जो हेडर बनाया ना सेम वही प्रोसेस है ये फूटर बनाने का, तो आइकॉन पे क्लिक करो और ये आइकॉन जो से ऐड करने वो आइकॉन ऐड कर लो। अब हमें इसके ऊपर भी एक फूटर बनाना होता है, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो सा फूटर होता है वो दो का बना होता है, एक टॉप फूटर एक बॉटम फूटर। टॉप फूटर हम डिज़ाइन थोड़ा सा करते हैं, कैसे उसको हम डिवाइड करते हैं चार पार्ट में, ये तीन पार्ट में भी कर लेते हैं लोग, चार में भी कर लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसे इसमें डिवाइड कर लो। मैंने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया इस पोर्शन को, एक दो तीन चार। अब पहले पार्ट में मैं उसे कहता हूँ, पहले पार्ट में फुटर मेन्यू लग जाए, फुटर मेन्यू जो ऑलरेडी बना हुआ था, जो भी बनाया था, अगर नहीं बनाया तो कोई इशू नहीं है, वो आप बना सकते हो फुटर मेन्यू। दूसरे वाले में मैंने विजेट्स, अब विजेट्स वन है, विजेट्स टू है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, और विजेट्स थ्री है, फोर कह दिया, थ्री कह दो, थ्री किया, और इसको मेन्यू की जगह इसे कह दो विजेट्स फोर, ताकि वैसे उल्टी लग गई, चलो खैर। ये विजेट्स क्यों से हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, विजेट्स बनाने की। तो ऑलरेडी मैंने 1, 2, 3, 4 ऐड कर दिए हैं, तो अगर और कोई किसी ने और भी कोई चीज़ें हैं इसके अंदर देख लो, तो अगर मैं 5 करता हूँ तो एक, अब और भी क्या चीज़ें हैं इसके बाद, फुटर मेन्यू रह गया, HTML कोड 1 रह गया, HTML कोड 2 रह गया, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आपने उस तरह अप्लाई कर, अब 4 कर रहा हूँ, तो 4 या विजेट्स के होते क्या विजेट्स, आपकी वो साइड्स बार नहीं लगी हुई थी जो सी आपकी आ रही थी,
पहले जो सी मैंने रिमूव की है साइड बार, वो विजेट से आती है। विजेट्स होते हैं आपका ऐसी कह लो कि जिसको हम फुटर पे यूज कर ले, हम साइड बार पे यूज कर ले, वो विजेट्स होते हैं। विजेट्स को हम मोस्टली साइड बार पे यूज करते हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। आपने अक्सर वेबसाइट देखी होगी जो साइड बार पे आपका कलर स्कीम दिखा रहा होता है, आपका फोन साइज स्टाइल वगैरह दिखा रहा होता है। मैं आपको वेबसाइट का वॉच करके दिखा देता हूँ, वो होते हैं, वो हम विजेट्स को डिवेल्प करते हैं, डिजाइन करते हैं। गूगल कर रहा हूँ, कोई भी आउटफिटर की साइट ले लो, आउटफिटर ले लो, ब्रेकआउट, जो भी साइट हैं ले लो, आपको पता लग जाएगा कि विजेट्स होते क्या हैं। तो इन्होंने तो पहले बिल्डिंग ऐसी साइट बनाई है, पहले मैन पे क्लिक किया, ओके कलेक्शन जैकेट्स। अब जैकेट्स पे मैंने क्लिक किया, इन्होंने डिज़ाइन ही कुछ डिफरेंट किया होगा। इन्होंने डिज़ाइन चेंज किया हुआ थोड़ा सा, पहले था चेंज था। ब्रेकआउट देख लेते हैं, ब्रेकआउट चले जाते हैं, सबने एक ही डिजाइन किया हुआ है, सबने एक ही डिजाइन किया हुआ है, उसने विजेट्स ही खत्म किए हैं सबने, साइड पे विजेट सारे खत्म किए हैं। इस पे मेरा ख्याल आ रहा है विजेट्स, ये जो साइड बार छोड़ी हुई ना, ये साइड पे जगह छोड़ी हुई जूनसी यहाँ पर एक मिनट याद आ गया बताता हूँ, वर्ड्स मोबाइल में दिया हुआ है, ये भी याद आ गया, ठीक है। ये देखो वर्ड्स मोबाइल, ये साइड बार आ रही है ना, इसमें मोबाइल के कैटेगरीज आ रही हैं। ये क्या है, ये आपके विजेट्स हैं, इसे विजेट्स कहते हैं। ये देखो ये साइड पे क्या आ रही है, एक सर्च बाय प्राइस आ रही है, इतने में से जिसने आपने सर्च करनी, सर्च बाय रैम आ रही है, ये सारे क्या है, ये इतने टोटल क्या लगे हुए हैं, सारे के सारे विजेट्स हैं। आप शॉपिंग वेबसाइट कोई खोलोगे ना, मुझे अभी तो जेन में नहीं आ रही, वहाँ पर साइड पे आया होता है कि आपका साइज क्या है, एक्सेल है, स्मॉल है, मीडियम है, वो उसके अलावा आपके आपके प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि प्राइस क्या है, कहाँ से आपकी प्राइस जाती है, आप अपनी प्राइस की रेंज बताएं। ये वो चीज़ें जो सी होती है वो साइड बार पे जो आ रही होती हैं वो हमारी विजेट्स होती हैं। ये बहुत ओल्ड वेबसाइट है, ये थोड़ी सी मतलब रफ सी बनाई हुई है, तो इसलिए सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बताया आपको कि इसको विजेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है विजेट्स, और हमारा काम यहाँ वापस आ रहे हैं। अच्छा, तो ये विजेट्स यूज़ करते हैं, विजेट्स का अभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको बताया कि विजेट्स आप ऐड कर दो, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर देखेंगे, अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ ये वाला जो टैक्स है ना HTML का है, इसको अभी लगा दो ताकि आपको पता लग जाए कि ये हमारा जो फुटर है वो होता क्या है। यहाँ पर हम एड्रेस लिख देते हैं, GCD साहिबाग ओल्ड रोड, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ एड्रेस ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि लाइन हाइट ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अभी के लिए ना इतना ही, कैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी ये देखो, अभी एक बना है, ये दो बनेगा, तीन बनेंगे, चार बनेंगे, वो क्या होंगे, आपके विजेट्स होंगे, वो हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। आपको विजेट्स का आपको देता हूँ फुटर मेन्यू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुए होते हैं फुटर मेन्यू, देख लीजिए अगर नजर आ रहा है, ये सारे ये फुटर मेन्यू है, ये टॉप फुटर। बिल्ट इन हमें तीन की ऑप्शन दी है कि तीन डिजाइन कर सकते हैं, हाँ ये बने होते हैं, ये ऐसे बने होते हैं, ये बनाने, यही बनाने हैं हमने। पर अभी विजेट्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको विजेट्स का इसलिए नहीं, जी जी ये बनाएंगे, ये बाद में बनाएंगे,
ये देख लो ना, विजर्स है ना लगे, ये देखो मैंने भी ऐसे ही बना रहा हूँ, 1 2 3 सिंपल। क्या किया मैंने, सेटिंग पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद उसने मुझे कॉलम दिया कितने कॉलम बनाने हैं, तो मैंने कह दिया 4 कॉलम, तो मैंने 4 कॉलम पे क्लिक कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि कौन सी लेआउट यूज़ करनी है, कि मैंने कहा इक्वल, मैंने कहा सबको इक्वल दे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबको इक्वल आए, ना कि पहला बढ़ाओ या लास्ट वाला बढ़ाओ, सबको इक्वल दी, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया, अब मैं 3 भी लगा सकता था, मैंने 3 पे क्लिक करता 3 भी लगा सकता था, 3 पे भी इक्वल ऑप्शन जा रही है, एक आ रही है ऑप्शन कम ज़्यादा की, तो मेरे पे डिपेंड है ना मैं जैसे ही उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वी जस्ट 3 यूज़ कर लिया, ठीक है, ये मेरे पे डिपेंड कर रहा है। मैंने इसको भी अभी के लिए मैं पब्लिश कर रहा हूँ, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, ये वाला फुटर यूज़ किया है, ये वाला, यही चाहिए अभी मुझे ना, अभी मुझे विजर्स वाला टॉप फुटर नहीं चाहिए, टॉप मेन्यू फुटर मेन्यू नहीं चाहिए, इसे फुटर मेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, अगर नेक्स्ट कभी चाहिए हो तो मैं ऐड कर लूँगा, ओके। ये मेरा परफेक्ट वर्ड कोड है, ये मैंने आइकॉन लगा दिया है और ये मैंने कॉपीराइट लगा दिया, ये मेरा परफेक्ट मेन्यू वर्ड क्रिएट हुआ। अब नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि आपने इसको कर देना है क्लोज, हमारा मेन्यू परफेक्टली वर्क हो गया, अब मैंने इसे कर दिया क्लोज। अब मैंने जाना है अपेयरेंस में, अपेयरेंस में जाऊंगा, मेरे पास कौन सा थीम था, एस्ट्रा, मैं एस्ट्रा थीम पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है एस्ट्रा ऑप्शन, विजर्स ये हैं, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर डिटेल से, एक लेक्चर रखेंगे इस पर एक लेक्चर रखेंगे प्रॉपर, उस पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा विजर्स थोड़ी समझने वाली चीज़ है। तो मैंने अब क्या किया, कस्टमाइज करके ये ओपन कर लिया पेरेंट्स में जाके, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ एस्ट्रा ऑप्शन, एस्ट्रा ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ हमारे पास ये चीज़ ऑप्शन आती है काफ़ी सारी, इसमें हमारे पास है एस्ट्रा कस्टमाइज रीसेट अनलिमिटेड अडोन साइड मैनेजर कस्टम टाइप फॉन्ट किट एस्ट्रा विजेट्स एस्ट्रा बल्क एडिटर सर्च। तो अगर मैं एक एक करके इनको एक्टिव कर, बस सिंपल आपने क्या करना है, इनको एक एक करके एक्टिव कर देना, बस लास्ट वाला रह गया, तो ये भी एक्टिव होता है, तो हम देखते हैं चेक करते हैं हमें क्या प्रोवाइड किया है इसमें। काफी है मैं अभी तो किया ही नहीं कुछ, वो तो सिर्फ उसकी सेटिंग कर रहा था, रिफ्रेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो हमारा कुछ पेज इस तरह से बना हुआ, रिफ्रेश किया, कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, हमने 3-4 इंस्टॉल की हैं चीज़ें, ये चीज़ें इंस्टॉल की हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा सिर्फ काम रह गया बस, तो अब हमारा जो मेन काम है वो है प्लगइन का, ठीक है। प्लगइन क्या होते हैं, तो ये जो चीज़ है ना, ये प्लगइन है, ये प्लगइन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जो सा मैंने ये इंस्टॉल किए हैं चीज़ें, ये हमारा इंस्टॉल हुआ है प्लगइन पे, ये देखो ये सारे जो उनसे थे इंस्टॉल हुए हैं, ये क्या आए हैं, सारे प्लगइन हैं, इनको क्या कहते हैं, प्लगइन, 1 2 3 4 जो हम मैंने अभी इंस्टॉल किए वो सारे क्या थे, प्लगइन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी सारे हैं, ये हमारा सारा क्या है, प्लगइन। अच्छा, तो प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले, प्लगइन को यूज़ करने से पहले हमें प्लगइन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब प्लगइन पे जानना इसलिए ज़रूरी है, एक मिनट मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब मैं पेरेंट्स पे क्लिक करता हूँ ना, कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ ना, तो कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद वापस चले जाते हैं, नहीं प्लगइन के बारे में देखते हैं, प्लगइन होता है हमारा वेबसाइट के लिए, प्लगइन जो चीज़ है ना वो सबसे
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कह लो प्लगइन है। प्लगइन के बगैर हम वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते। ये सब जो इंस्टॉल हुए हैं ना, जो से मैंने अभी एक्टिव किया है, अपेयरेंस में जाके इधर इसमें जाके, और इसके बाद मैंने कहा गया, मैं एस्ट्रो ऑप्शन पे जाने के बाद जो से मैंने ये चीजें एक्टिव की थी ना, ये वाली, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या है, ये प्लगइन है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं सारी क्या है, ये जो मैंने भी इंस्टॉल की है, ये सारी की सारी क्या है, प्लगइन है। तो प्लगइन होता क्या है, पेंट ओपन कर रहा हूं, पेंट ओपन करके मैं सिर्फ प्लगइन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। तो प्लगइन होता क्या है, अब एक वेबसाइट है, जैसा कि एग्जांपल ले लो, ये वेबसाइट है, एक इसका स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कोई चीज परफॉर्म करवानी है, मैं चाहता हूं इस पे एनिमेशन लगे, इस पे इसकी कलर का डिजाइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाए, तो उसके लिए मुझे प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि मैं, ये समझ लो ये इमेज है, मैं चाहता हूं जैसे ही मेरा होवर का इफेक्ट है, ये इमेज घूमने लग जाए, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ये इमेज घूमने लग जाए, क्या होगा, मैं प्लगइन इंस्टॉल करूंगा कि ये इमेज घूमे जब मैं इस पे क्लिक करूं। ठीक है, अब और क्या प्लगइन का काम हो सकता है, प्लगइन का और काम ये हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि मैं अपनी वेबसाइट पे कुछ अच्छा सा डिजाइन करना चाहूँ, अपनी वेबसाइट को न्यू लुक देना चाह रहा हूँ, प्लगइन के थ्रू हम वो वर्क करते हैं। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से मैं सारी वेबसाइट को डेवलप करूँ, मैं यहाँ से चीज़ें उठाऊँ और यहाँ पर लगा दूँ, यहाँ से चीज़ें उठाऊँ यहाँ पर, तो उसके लिए भी हमें प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं, अब देखो मेन्यू कॉन्टैक्ट का पेज है, अब कॉन्टैक्ट का पेज मैं दिखा रहा हूँ आपको, कॉन्टैक्ट पेज, तो अब आप देखो आपने कॉन्टैक्ट का एक पेज है, आप इस तरह का कॉन्टैक्ट का पेज डिजाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज डिजाइन करना चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट का पेज, तो दिखाता हूँ आपको, ऐसे देख ले। तो क्या है कि मुझे इस कॉन्टैक्ट के पेज के लिए HTML में कोडिंग लिखनी पड़ रही थी। ठीक है, कोडिंग लिखने से मुझे ये हो रहा था कि मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मैं जब कोडिंग लिखता था मुझे डिफिकल्टी आती थी, काफी चीजें आती, पर क्या है कि मुझे प्लगइन बना बनाया मिल गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह का मुझे डिजाइन करना कोई मुश्किल बात नहीं, मैं इजीली डिजाइन कर सकता हूँ। ये काम किसने शोर कर दिया, प्लगइन ने। तो इसलिए हम प्लगइन को यूज करते हैं, प्लगइन हमारे लिए ऐसे कह लो कि हर चीज को डेवलप करने के लिए हमें कोई ना कोई प्लगइन की जरूरत पड़नी है। हम कोई भी चीज को डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए हमें प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप कह रहे हो कि मुझे विजर्स पे वर्क करना है, मुझे विजर्स थोड़े से अच्छे चाहिए, मुझे विजर्स अच्छे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। ओके, और थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको अच्छा करते हैं। सर ये क्या कह रहे हैं, विजर्स को थोड़ा सा अच्छा, विजर्स को भी एक्सप्लेन, विजर्स को एक्सप्लेन कर रहा, मैं विजर्स को बता रहा हूँ कि विजर्स को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ना, मतलब अच्छी लुक देने के लिए तो हम प्लगइन यूज करेंगे। ठीक है, और विजर्स ऐड करने के लिए, मोर ज्यादा से ज्यादा विजर्स ऐड करने के लिए भी हम प्लगइन यूज करेंगे। नहीं नहीं, रियल टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कोई नियम नहीं है, तो मैं बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ये देख लो, अब मैं चाहता हूँ, ये देखो, ये होम, अबाउट, सर्विस, शॉप, कॉन्टैक्ट, लेटेस्ट, मैं चाहता हूँ इनके साथ आइकॉन भी लगे आए इनके, जैसे होम का है, होम का छोटा सा आइकॉन लगे, अबाउट है, अबाउट का छोटा सा आइकॉन लगे, सर्विस है, सर्विस का छोटा सा आइकॉन इसके साथ अटैच हो, शॉप का आइकॉन थोड़ा सा अटैच हो, कॉन्टैक्ट का आइकॉन लगे। ठीक है, आइकॉन्स को आपको पता है, ये फॉन्ट ऑसम वाले आइकॉन वगैरह कह रहा हूँ, वो लगे, तो मैं क्या करूँगा, प्लगइन इंस्टॉल करूँगा और इसके साथ मैं क्या लगा दूंगा, आइकॉन लगा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा प्लगइन की वजह से ये आइकॉन लग जाए, और क्या है कि मुझे कोई, मुझे कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी, सिर्फ मैंने आइकॉन लगा दिया। अब मैं आपको एक और कोई वेबसाइट दिखाता हूँ, गूगल किया,
आउटफिटरी भी देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ना एक चीज़ दिखानी थी मैंने आपको सर। हाँ, अब बड़ी बात ये देखो, मैंने अगर स्लाइडर लगाना है, ये स्लाइडर ये देखो ये चल रहा है, ये स्लाइडर नहीं है, ये वीडियो चल रही है वैसे बेसिकली। अगर मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे स्लाइडर लगाऊं, अब ये देखो एक ये चीज, अब अगर आपको ऐसा बनाना हो, ऐसा मेन्यू बनाना हो, ठीक है, इस मेन्यू को कहते हैं मेगा मेन्यू, ठीक है, ये मेगा मेन्यू होते हैं। अगर आपको ऐसा मेन्यू बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, इसके लिए भी आपको प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, इसे मेगा मेन्यू कहते हैं। तो ये भी बनाने के लिए हमें प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, ये मेन्यू बन जाएगा एक ये इसका, ये देखो ऐसा मेन्यू बनाने के लिए भी हमें प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये देखो, ओके, ये देखो ये भी ये मेन्यू चेंज हो रहा है, ये देखो ये चेंज हुआ, यहाँ पर कोई और मेन्यू लग गया, यहाँ पर कोई, तो ये चीज़ बनाने के लिए भी हमें प्लगइन की क्या है जरूरत पड़ेगी, इसे मेगा मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये काम है, अब मुझे एक ये तो काम हो गया, अब मुझे अगर स्लाइडर चाहिए, एक वेबसाइट है उसमें स्लाइडर चाहिए, और स्लाइडर भी थोड़े से अच्छे चाहिए, ये नहीं कि नॉर्मल से स्लाइडर जो उनसे हो गए वो चाहिए, मुझे लग्जरी स्लाइडर चाहिए, कोई अच्छा सा स्लाइडर चाहिए, तो क्या है कि मैं तब भी क्या यूज़ करूँगा, प्लगइन यूज़ करूँगा स्लाइडर बनाने के लिए। तो इसलिए हम प्लगइन के बगैर कोई भी वेबसाइट को डिवेलप नहीं कर सकते, हमें प्लगइन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्ट इन हर वेबसाइट वालों ने कुछ प्लगइन प्रोवाइड किए होते हैं, और कुछ प्लगइन हम खुद इंस्टॉल करते हैं, और कुछ प्लगइन हम परचेज भी करते हैं। तो अगर मैं आपको गूगल करके थीम फॉरेस्ट पे लेके जाता हूँ, और मैं यहाँ पर प्लगइन लिख लेता हूँ, वो उस दिन जावास्क्रिप्ट का एक प्लगइन देखा, जावास्क्रिप्ट के देखी थी ना वो चीज़ें, वो जिसपे वो कलर चेंज हो रहा था, उसका टेक्स्ट चेंज हो रहा था, वो कैसा प्लगइन थे, वो भी प्लगइन था। अब ये देखो ये प्लगइन का काम, ये प्लगइन है, ये सब के सब प्लगइन है, ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देखो बीबी प्रेस भी एक प्लगइन है, इसका भी एक्सप्लेन करूँगा अभी के लिए, सिर्फ देख लो कि प्लगइन होते क्या हैं। कमिंग सून टेम्पलेट विद इमेज क्लिप, ठीक है, ये भी प्लगइन है एक, और बताता हूँ कोई अच्छा सा एक प्लगइन बताता हूँ आपको। अब जॉब हंट, ये क्या है कि जॉब बोर्ड प्रोवाइड करेगा, इसको प्रीव्यू करके चेक करते हैं कैसा नज़र आ रहा है, क्या चीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है, और हमसे कितने चार्ज कर रहा है, वो कह रहा है $59 का दे रहा है, तो क्यों दे रहा है $59 का, क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो कह रहा है आप कह रहे हैं नेम लिखो अपनी जॉब का, सिर्फ सिंपल आपको जो चाहिए जॉब, मैं कह रहा टीचर, नेटवर्किंग, आर्ट एंड डिज़ाइन टीचर, अगर डिज़ाइन टीचर चाहिए आप वो सिलेक्ट करो, ठीक है, आर्ट एंड डिज़ाइन टीचर सेलेक्ट किया। अब वो बता रहा है कि आर्ट एंड डिज़ाइन टीचर की कौन कौन सी जॉब्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज़ें जो प्रोवाइड कर रहा है ये क्या है। अब देखो अगर आप चाहते हो कि मुझे लोकेशन बताए, मैं कहता हूँ साहिवाल में, साहिवाल लोकेशन एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मैप नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ, लगाया नहीं उन्होंने मैप, ठीक है, तो अपनी जब भी आप अपनी वेबसाइट पर जाओगे आप मैप लगा सकते हो। अब मैं कह रहा हूँ साहिवाल में आर्ट एंड टीचर की जितनी भी है वो मुझे सर्च कर, जितनी भी आर्ट एंड टीचर की साहिवाल में जो जॉब होंगे वो मुझे यहाँ पर शो करवा देगा। ये क्या है, ये काम प्लगइन के थ्रू हुआ होगा, ठीक है, ये प्लगइन के काम है। और देख लेते हैं प्लगइन का क्या काम हो सकता है। उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन के रेलिवेंट जो भी आपका वर्क होगा प्लगइन के थ्रू होगा। इलेक्ट्रो थीम है, और यहाँ पर अगर आप वर्डप्रेस पे जाके एटम्स वर्डप्रेस यहाँ पर आप प्लगइन लिख दो ना प्लगइन्स, तो ओनली आप क्लिक कर दो, इसने ऑल कैटेगरीज पे क्लिक कर दिया है, टेम्पलेट ई कॉमर्स वगैरह। अब ई कॉमर्स का भी प्लगइन होगा, हर चीज़ का एक अलग प्लगइन होगा, तो जो चीज़ आपको चाहिए वो प्लगइन आपको मिल जाएगा। मैं वर्डप्रेस प्लगइन चाह रहा हूँ, तो वर्डप्रेस प्लगइन पे क्लिक कर दिया। अब आप कह रहे हो आपने, अब आप देखते हो ना जैसे शॉपिंग करते हो, तो अगर किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग करी हो तो वो बार कोड से एक कोड निकला हुआ आपके पास प्रिंट हुआ आता है, वो भी पेपर के ऊपर अटैच किया होता है, ठीक है, आपके वो पेपर में अटैच किया होता है किसके साथ, आपके
उसमें जो सा आपका आपका पार्सल आता है उसके ऊपर चिट सी लगी होती है वाइट पेपर की, और उसमें बार कोड होता है और कुछ कोड वगैरह होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो प्लगइन से हम डिज़ाइन किए जाते हैं, खुद भी बना सकते हैं, पर प्लगइन से हमें बिल्ट इन मिल जाती है हर चीज़ की। तो अब देखो मोटरसाइकिल डीलर, ये डीलर की सारी कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद है कि डीलर कैसे करनी है। वो ओलेक्स जैसी वेबसाइट आप डिवेल्प कर सकते हो प्लगइन के थ्रू। आप स्लाइडर रेवोल्यूशन आपको दिखाता हूँ, उसमें कितने कितने कमाल के स्लाइडर बने, वो भी क्या है प्लगइन है स्लाइडर रेवोल्यूशन। स्लाइडर रेवोल्यूशन कहाँ चला गया क्यों गैप हो गया, पर स्लाइडर रेवोल्यूशन होना तो नहीं चाहिए था, फ्रंट पे स्लाइडर रेवोल्यूशन ही आता है। चलो कोई बात नहीं, ये एक न्यू उन्होंने स्लाइडर निकाला है, अगर हम इसे वॉच करके एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये कौन से स्लाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कैसे स्लाइडर हो सकते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट हर डिज़ाइनर हर डिवेलपर चाहता है कि मेरा जो सा वर्क है वो दूसरे डिजाइनर से दूसरे डेवलपर से डिफरेंट हो। तो ये है स्लाइडर। अब इसमें कलर स्कीम दी हुई है, आप कलर कौन सा यूज करना चाह रहे, फुटर पे, बॉडी पे, ठीक है, ये स्लाइडर प्रोवाइड किया उसने, ये स्लाइडर कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फीचर है, इसके स्टाइल है लाइट डार्क बड़ी बॉस शॉर्ट बोर्ड, इसने बिल्ट इन वेबसाइट टाइप का ही कुछ बना के दे दिया। तो ये स्लाइडर इस टाइप का है, वो स्लाइडर रेवोल्यूशन मिलता ना तो वो बड़ा काम का स्लाइडर था। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि हम प्लगइन से डेवलप करते हैं, तो एक मिनट मैं गूगल करके चेक कर देता हूँ स्लाइडर रेवोल्यूशन, ठीक है। उसने अपनी अच्छा वेबसाइट डेवलप कर ली है, अच्छा वो पड़ा है कोड कोड कैनो, ये इसने अपनी वेबसाइट डिवेल की है, वो भी सही है, अपना उसने कहा बेच दिया जो बेचना, ये स्लाइडर रेवोल्यूशन। अगर आपको दिखाऊं तो इसमें स्लाइडर जो से पड़े हैं बहुत ही ज्यादा कमाल के स्लाइडर पड़े हैं, बिल्ट इन स्लाइडर बने बनाए उन्होंने, अच्छी चीज प्रोवाइड की हुई है। ये वही वेबसाइट दिखा रहे हैं, ये है और ये वेबसाइट सेम है तकरीबन, अगर दिखा दे तो बहुत ही कमाल के स्लाइडर हैं, कुछ देख लेना आपको पता लग जाएगा स्लाइडर बनाए हैं कुछ ना। ये टेम्पलेट दिखाता है, टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, जो लंबा हो गया यहाँ से, ये सारे स्लाइडर हैं, ये टोटली सारे स्लाइडर हैं, ठीक है। तो बहुत ही लेवल के जो कहते हैं ना हाई लेवल के जो स्लाइडर बनते हैं वो स्लाइडर रेवोल्यूशन में बनते हैं, ऐसे स्लाइडर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके डिजाइन किए जाते हैं इन्होंने। अगर ये पेमेंट चार्ज कर रहे हैं भी है ना तो आपको जो स्लाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह के स्लाइडर आपको कोई दे भी नहीं देगा भी नहीं। हर वेबसाइट पे छोटी हो बड़ी वेबसाइट हो सब वेबसाइट में स्लाइडर रेवोल्यूशन यूज़ हुआ हुआ है, स्लाइडर रेवोल्यूशन यूज़ हुआ हुआ है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्लाइडर रेवोल्यूशन से कुछ चीज़ें कुछ उसका सेटअप है जो सा ना वो बिल्ड इन ले लेते हैं, ठीक है। उससे ये होता है